हेलो दोस्तों, मैं मानवेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज हाउस में। और आशा करता हूं आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे आप हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। हेलो दोस्तों, नॉलेज हाउस में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे आपको पता है, यूपी पुलिस का जो सेकंड शिफ्ट था 19 तारीख का, वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसके आंसर की हमने जारी किए, तो मैं आप गणित के और रीजनिंग के आंसर की बताऊंगा। देखिए, इसमें पहला जो आंसर है हमारे पास 76 का हमारे पास आंसर है सी, यानी इसका आंसर आएगा 12। अगला क्वेश्चन हमारा 77, इसका आंसर है हमारे पास डी, यानी 4। तो 77 का आंसर हो जाएगा हमारे पास 4। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 78, ठीक है, 78 क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास क्या है, 78 का आंसर है हमारे पास सी, यानी 19। जो 19 क्या है, 78 का आंसर है 79। 79 क्वेश्चन का आंसर है सी, ठीक है, यानी 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 आपको दिख रहा है, उसका आंसर है हमारे पास सी, यानी 91। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 82 जिसका आंसर है ए, 82 का आंसर है ए, उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर है वो है बी, क्या है, बी पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर है वो है ए, यानी केवल एक निकष पालन करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोतों को अगली पीढ़ी के लिए बचाए, जो इसका आंसर है बी, यानी केवल बी ही इंगित करता है, ठीक है, इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है हमारा 86 का जो आंसर है हमारे पास वो है सजातीय ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसमें क्या है, 86 में जो ए धारणा है हमारी, सजातीय ध्रुव की चुंबकीय वस्तु एक दूसरे को विकर्षित करती है, तो ये बस यही इसका आंसर है, यानी केवल एक अंतर्निहित है इसमें, मतलब एक ही इम्प्लीमेंट करता है इसका। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87, इसमें बताना था हमको, क्वेश्चन नंबर 87 में कौन सा एक भाज्य संख्या नहीं है, यानी अभाज्य संख्या है, तो इसमें जो आंसर है हमारा वो 87 का आंसर है बी, यानी 433 जो है वो अभाज्य संख्या है। यह अगला क्वेश्चन जो है आपका 88, इसमें आपको बोनस मार्क मिल सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरी तरह गलत है, तो इस क्वेश्चन में आपको बोनस मार्क मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। क्वेश्चन नंबर 89 जो बताया हमको कि 1.8 को डिवाइड करना, अपन को 1200 से डिवाइड करना है, जो क्वेश्चन नंबर 89 का जो आंसर है वो है डी, ठीक है, 0.0015, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90, इसका जो हमको क्या करना है, छोटा समीकरण था, इसका आंसर आ जाएगा हमारे 7/3 आएगा इसका आंसर, लेकिन इसको अगर हम मिश्रित बिंदु में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/1/3, ठीक है, तो 90 का आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। क्वेश्चन नंबर 91 का जो हमको क्या निकालना है, महत्तम समान प्रवर्तक एचसीएफ निकालना है, जो इसका आंसर भी मतलब क्या, 27 ऐसी संख्या है जिसका इस तीनों में भाग जा रहा है, ठीक है, मतलब ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 27, यानी ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास 92 में हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, यानी ऐसी बड़ी बड़ी संख्या जिसमें इन सभी का भाग चला जाए, तो ये 604, यानी क्वेश्चन का आंसर है डी, यानी 604 जो है वो क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला हमको बताया क्वेश्चन नंबर 93 को, 84 को हमको 5 और 9 में डिवाइड करना था, 5 और 9 के अनुपात में डिवाइड करना था, ठीक है, तो पहले अनुपात को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ रहा था, 14 आ रहा था, 14 को हमने 84 से डिवाइड किया तो कितना आया, 6, और 6 से इस अनुपात को मल्टीप्लाई किया, क्या 9 × 6, यानी 44 जो सबसे बड़ी संख्या है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए, यानी 93 का आंसर जो है वो ए है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 94 को हमको क्या करना है, सोल्व करना है, x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो 94 का जो हमारा आंसर है वो है हमारा आंसर सी, यानी 28 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 95 का जो हमारे पास आंसर है वो आंसर है हमारे पास बी, यानी 88। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर है बी, 88। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 96 का जो आंसर है हमारे पास, 96 का जो आंसर है वो है डी, यानी 385 रुपये जो
मास्क की बिक्री 308 रुपये थी और 12% की आनी थी और 10% हमको निकालना था, यानी बता रखा उसने 88 बराबर हमको दे रखा था 308 रुपये, तो हमको क्या करना था 110% हमको निकालना था, तो उसका आंसर है 385। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है, कलम के सेट पे अंकित मूल्य 15% की छूट प्राप्त करने पर 1751 रुपये की कीमत चुकानी पड़ी, तो उचित मूल्य बताना, यानी 85% जो हमको दे रखा है 85% दे रखा है 1751 रुपये का और हमको निकालना था 100%, तो इसका आंसर जो आएगा वो है सी। तो इसका जो आंसर क्या आएगा हमारे पास, सी, यानी 2060 रुपये। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98। ठीक है, ये हमारा चैनल में आपको सबसे पहले इसका बताया गया है, तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF के लिए हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98, इसका जो आंसर है हमको क्या निकालना था, साधारण ब्याज, बस सिंपल सा निकालना था, साधारण ब्याज इसका सिंपल सा है जो है 98 का आंसर हमारे पास है ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 99 को हमको क्या चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था साधारण सा, तो उसका आंसर था ओनली डी, यानी 63। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन आए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है 100, इसका जो आंसर है हमको क्या बताना था कि केवल नितिन ने कितने महीने तक निवेश किया। ठीक है, केवल नितिन ने मतलब को क्या, जो आंसर आएगा उसको हमको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 100 का आंसर एक बार और देखिएगा, 100 का आंसर आएगा हमारे पास बी। ठीक है दोस्तों, 100 का आंसर आएगा बी, कन्फ्यूज नहीं होना, 100 का आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 का जो आंसर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर है हमारे पास सी, यानी 40, यानी दो बच्चों का जो क्या होगा औसत होगा वो क्या होगा 40 होगा। क्वेश्चन नंबर 102 बताना हमको कि ये टाइम एंड वर्क का है क्वेश्चन है, इसको हमको बताना है दोनों मिलकर एक दिन कितना काम करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर जो 102 का आंसर है वो है ए, 8 से 3/4। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 103, इसमें हमको अच्छा सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आप करिएगा बहुत अच्छा सिंपल है, लेकिन हमने जो इसका आंसर निकाला है वो आया है 72, यानी ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 का जो आंसर है वो क्या है, संभव त्रिभुज है, उसका हमको परिवर्तन की क्या बताना था, क्षेत्रफल बताना था, इसका आंसर हमारा क्या निकला 462, यानी सी, सी इसका आंसर है किसका, क्वेश्चन नंबर 104 का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 105, जो क्वेश्चन नंबर 105 है उसका जो आंसर आया हमारे पास क्या है, आंसर आया हमारे पास बी, इसको हमको क्या बताना था, टाइम बताना था दोनों को कितने टाइम में पूरा करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 106 का जो आंसर है वो आया है डी, यानी 1 घंटा 30 मिनट लगेंगे किसको, अपने सामान्य गति से 4/5 की गति से कम करता हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपका लगेगा। अगला क्वेश्चन हमारा बता रहा है केसर अगर मसाला है तो सेब क्या है, सेब क्या है फल है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लार का मतलब क्या होता है, लार ग्रंथि होता है, तो पित्त का मतलब क्या होता है, पित्ताशय जो कायम है अग्नाशय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हमारे पास, यानी इसका आंसर है क्या, सी, 108 का सी। क्वेश्चन नंबर 109 का जो आंसर है मतलब बताना है कि अगर जिस प्रकार द्रव्यमान का मतलब ग्राम होता है, यानी मास अपन ग्राम में कैलकुलेट करते हो, तो इसकी सेल्सियस किसको करेंगे, डी, यानी टेम्परेचर में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 से हमको बताया गया है कि शब्द मुंबई और मुंबई को इस प्रकार लिखा गया है, तो कानपुर को किस प्रकार लिखा गया है जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर जो 110 है उसका आंसर क्या है, सी, कानपुर को इस प्रकार लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, केक ओवन के से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार आइसक्रीम संबंधित है, आइसक्रीम जैसे केक को हम ओवन में रखते हैं तो ओवन में से बनाते हैं, तो आइसक्रीम को किससे बनाएंगे, रेफ्रिजरेटर में रख के उसको ठंडा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मेघालय शिलोंग की राजधानी है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, तो लांगरेट की राजधानी क्या है, कोहिमा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 112 का सी। अगला है हमारे पास 113, 100 का मतलब शतक होता है, तो 10 का मतलब क्या होता है, सिंपल सा है, दशक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 हो गया। क्वेश्चन नंबर 114 ये है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इसके सोल्यूशन में हम आपको इसी वीडियो में जरूर बता इस वीडियो में बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 114 है जो A1E5K11 और C29 है, तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा बी, इसका आंसर क्या है, बी, यानी S19 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115 का जो आंसर है हमारे पास, जैसे 82-64 से है तो 92 किससे होगा, ये 81 से होगा। ठीक है, इसका आंसर है हमारे पास ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर जो 116 है वो मीटर को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो लेंथ को इसी प्रकार कैसे लिखेंगे, तो 116 का जो आंसर है आपका, 116 का आंसर है आपका सी, तो अपन क्या कर सकते हैं, लेंथ को इस प्रकार लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, अगर मेथड को हम ऐसे लिख सकते हैं तो प्रैक्टिस को कैसे लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, इसका जो अपन सोल्यूशन, पूरा सोल्यूशन है वो हमारे चैनल पर मिलेगा, अभी हम उसको केवल आंसर शीट बचाना है, जिसको पूरा सोल्यूशन है आपको अच्छे से किया हुआ वो हमारे चैनल द्वारा ही मिलेगा। ठीक है, तो 117 का जो आंसर है वो है बी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर है डी। ठीक है, मैंगो को अगर वैसे लिख सकते हैं तो एप्पल को कैसे लिखेंगे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 119, चेंटिंग को अगर आप ऐसे लिख सकते हैं तो पिंचिंग को कैसे लिख सकेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 119 का आंसर है वो क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 120, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये बताया, कमला से बात करते हुए राजेश ने कहा कि मेरी माँ आपके पिता की इकलौती बेटी है, कमला का राजेश से क्या संबंधित है। इकलौती बेटी है, इसका मतलब वो क्या होगी, उसकी माँ होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 120 का ए। अगला क्वेश्चन है 121 का भी आंसर क्या हो जाएगा ए। एम एन की बहन है, आर एम की भांजी है तथा टी आर की माँ है, तो एन टी का क्या संबंध है, यानी ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाई से संबंध है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 122 क्या है, माया गोपाल की पत्नी है, प्रीति के पति नरेश की एक बहन जाया और भाई गोपाल है, नरेश का माया से क्या संबंध है, तो वो संबंध क्या है, देवर का संबंध है, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। 122 का क्या हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 का बताना है हमको कि मुलायम सूती कमीज से प्रतिनिधित्व करता है, इसका मतलब लखनऊ नहीं आएगा, यानी ट्राइंगल नहीं होना चाहिए, तो इसका जो आंसर हमारा आया है 123 का आंसर क्या है बी, यानी 5। 123 का आंसर क्या है बी, 100 बी यानी 5। अगला है हमको वेन डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन नंबर 124 में, दो अंदर सर्कल है और एक पूरा बाहर है, तो परिवार के अंदर क्या आते हैं, पति पत्नी आते हैं, तो 124 का क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर जो 125 है उसमें भी वेन आरक दे रखा है, इसमें बताया कि हमको कि केक सॉफ्ट और चॉकलेट के बारे में बताना है, जो तीन है ना, संख्या तीन है, इसके बारे में बताना है ना, तीनों के अंदर आ रहा है, ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है, केक के अंदर भी चॉकलेट आ रहा है, तो चॉकलेट से बना गया नरम केक इसका आंसर हो जाएगा, तो 125 का क्या आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है 126 का क्या है हमको बताना है कि एक गर्म और बरसाती दिन का प्रतिनिधित्व, गर्म और बरसाती दिन यानी है ना ओनली व्रत और आयत के अंदर होगा, ठीक है, व्रत और आयत के अंदर होगा, व्रत और आयत के अंदर क्या है 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास सी, सी का आंसर हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 127 में क्या है, अंग्रेजी तमिल हिंदी ये तीनों अलग अलग लैंग्वेज है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये अलग हो जाएगा तीनों से। ठीक है, अगला चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 128 में बताएंगे कौन सा इनमें से डिफरेंस है, अब डिफरेंस कैसे बताएंगे, कुछ डिफरेंस बताएंगे, अगर आप 98 और 76 को दे तो इसमें सब में 22 का डिफरेंस है, इस दोनों में 22 का, इसका 22 में, लेकिन संख्या में 22 का डिफरेंस नहीं है, तो हमारे पास 128 का जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है, वर्ग पंचभुज और षटभुज में और कोण में कोण सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर का 130 है बैठना खड़ा होना और सोना, ये क्या है, हम काम कर सकते हैं, और रोना क्या हो जाएगा हमारा, ये इससे मेल नहीं खाता है, तो रोना क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 130 का यानी बी। निम्नलिखित में कौन सा शेष से भिन्न है, ए ई आई ओ यू आपने पढ़ा होगा, तो डी इसमें क्या है वो सबसे भिन्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, सी का डी। क्वेश्चन नंबर 132, इसमें बताना है बाली कंगन चूड़ी में से क्या अलग, चूड़ी और चश्मे में क्या अलग है, तो चश्मा हमारा क्या है अलग है, ये क्या है ऑर्नामेंट नहीं है, ठीक है, 132 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137 का जो आंसर है हमारे पास वो है, क्वेश्चन नंबर 137 का जो आंसर है वो है बी, क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर है वो क्या है बी, 7, ठीक है, 1 3 5 5 के बाद क्या आता है 7, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर जो 141 है वो किससे है, यानी ऐसे कैसी आकृति आपको बतानी है, तो ऐसी कैसी आकृति कोई किस में है, ओनली ए में है, तो क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 142 का जो आंसर है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर है हमारे पास सी, सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर था, ये क्वेश्चन नंबर 143 का जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर है वो है डी, ना तो ए और ना ही बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बताना है कि कुछ कौवे शेर है और कुछ सभी शेर चीते हैं, तो इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सम्मिलित होगा, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 144 का जो आंसर है वो है ए, सिर्फ ए निष्कर्ष सहमत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 185, क्वेश्चन नंबर 145 का जो है, सभी शिक्षक लड़के हैं, कुछ लड़के छात्र हैं, तो इसका आंसर भी क्या होगा ए होगा, मतलब
कुछ सिर्फ ये निष्कर्ष सहमत है। क्वेश्चन नंबर 146 का जो आंसर देखिए आप 7 से 49 यानी 7 का स्क्वायर करके एक जोड़ा है तो 10 का स्क्वायर करके एक जोड़ेंगे तो अपन क्या आ जाएगा 101 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी यानी 10। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर जो 147 का जो आंसर है वो है ए। ठीक है, क्या है इसका आंसर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 है 3, 15, 35, 63 इनमें एक सीरीज चल रही है तो इसका सीरीज का जो अगला परिणाम आएगा वह आएगा क्या 99। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 99। और क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर क्या हो जाएगा बी आर जेड एक्स वी टी से दो दो कम हो रहे हैं तो टी 20 है तो आर क्या है 18 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन हमारे पास 2, 5, 10 एक सीरीज चल रही है और 17 इसके बाद अगली सीरीज क्या जाएगी 28 की। तो दोस्तों ये था मैथ्स और रीजनिंग के सोल्यूशन थे और जल्दी आपको जीके और हिंदी के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे नॉलेज हाउस का टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन करें क्योंकि पेपर की PDF अगर आपको चाहिए तो उसमें आपको जल्द से जल्द अवेलेबल हो जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।